इंडियन सर्विस सेक्टर में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने आज अपने लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट की माने तो अकेले हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ही आने वाले कुछ सालों में लगभग 1.5 करोड़ रोजगार के मौके उत्पन्न करेगी। इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट में काम करने वाले और भविष्य में इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का करियर सुरक्षित है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट की माने तो इंडिया जो आज 18वें स्थान पर है, कुछ सालों में ये 5th स्थान पर आ जाएगा। और इसीलिए इंटरनेशनल चेन ऑफ होटल्स भी आज इंडिया में अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं। इंडिया में होटल की कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स और रियल एस्टेट डेवलपर्स भी आज कई होटल्स बना रहे हैं। इस सब चीज को सामने रखते हुए होटल मैनेजमेंट एक अच्छे करियर ऑप्शन के रूप में स्टूडेंट्स के सामने मौजूद है। होटल इंडस्ट्री के 3 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग। फूड प्रोडक्शन की क्लास में स्टूडेंट्स को पकवान, फूड सर्विंग और किचन रिलेटेड सारी सर्विसेज के बारे में अच्छे से बताया जाता है। फ्रंट ऑफिस ये होटल इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉपर प्रेजेंटेशन और टेक्नोलॉजी का यूज करके कस्टमर का कैसे बेहतरीन ख्याल रखा जाए ये सिखाया जाता है। हाउसकीपिंग क्लास के जरिए होटल प्रॉपर्टी को किस तरह साफ, आरामदायक और सुरक्षित रखा जाए ये स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। होटल इंडस्ट्री की अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स। होटल मैनेजर, मैनेजर की ये जिम्मेदारी है कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे फाइनेंस, केटरिंग, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस एक्सेट्रा की जानकारी रखे और उनसे जुड़ी जिम्मेदारी को पूरा करे। फ्रंट ऑफिस मैनेजर की जिम्मेदारी है कि फ्रंट ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं जैसे इंफॉर्मेशन डेस्क, रिसेप्शनिस्ट, रिजर्वेशन का काम बखूबी निभाए और अपने स्टाफ को ट्रेन करके उनसे सही तरीके से काम भी ले। एग्जीक्यूटिव शेफ, ये होटल के किचन के हेड होते हैं और इनके अंडर कई असिस्टेंट शेफ काम करते हैं। होटल के फूड प्रोडक्शन की जिम्मेदारी इन्हीं के अंडर होती है। फूड सर्विस मैनेजर, होटल के रेस्टोरेंट की और उससे जुड़े सारे काम की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। हाउसकीपिंग मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वे होटल के एनवायरनमेंट को साफ, आरामदायक और सुरक्षित रखें। अपने स्टाफ के काम की जांच और निगरानी ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन मैनेजर, इस डिपार्टमेंट में मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वे होटल की अच्छे से ब्रांडिंग करें और होटल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सही समय लोगों तक पहुँचाए। सैलरी पैकेज स्टूडेंट्स की डिग्री, एक्सपीरियंस और होटल के स्टेटस पर डिपेंड करता है। स्टार्टिंग सैलरी रेंज किसी भी फ्रेश होटल मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की 12,000 से 20,000 तक होती है। फिर एक्सपीरियंस के साथ ये बढ़ती चली जाती है। जॉब प्रोवाइडर्स, मेन स्ट्रीम होटल के अलावा होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को और भी बहुत सी इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है, जैसे रेलवे कैटरिंग, एयरलाइंस कैटरिंग, क्रूज एंड शिप कैटरिंग, रिजॉर्ट्स एंड गेस्ट हाउसेस, कैटरिंग इंस्टीट्यूट्स, ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप अवार्ड विनिंग इंस्टीट्यूट CEDP की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।